सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वीज़ा को लेकर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो में आपको एक गुड न्यूज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, शायद जो कनाडा जा चुके हैं उनके लिए ये थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ हो, थोड़ा सा उनका एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। और जो इस वीडियो में जो जा चुके हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सलूशन जो है मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बात करें आज की डेट में, आप एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख सकते हो। सुपर वीज़ा होल्डर्स हु एंटर्ड कनाडा बिफोर जुलाई 4, 2022 आर नॉट एलिजिबल फॉर द 5 ईयर्स ड्यूरेशन ऑफ स्टे। जिन लोगों का, आपको जैसे पता होगा रिसेंटली कनाडा ने जो सुपर वीज़ा है वहाँ पे अप टू 5 ईयर्स का जो है सुपर वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनको रहने की अनुमति दे दी है। उसी तरह से जो लोग 4 जुलाई से पहले कनाडा जा चुके हैं, जैसे कि मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो और उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तो सुपर वीज़ा वाले जो लोग 4 जुलाई से पहले कनाडा जा चुके हैं वो लोग ये 5 ईयर्स वाले प्लान में एलिजिबल नहीं हैं। उनको क्या करना है मैंने आपको वीडियो में बताई है कि सोल्यूशन भी इसके साथ मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बता दूं जो सुपर वीज़ा 5 ईयर्स में एप्लीकेबल हैं उनको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि उनके क्या क्या चीज़ें उनको आती हैं, देन आपको सोल्यूशन भी बताता हूं। इफ़ वीज़ा इज़ अप्लाइड ऑन और आफ्टर 4 जुलाई देन यू आर एलिजिबल फॉर स्टे अप टू 5 ईयर्स। अगर आपका वीज़ा 4 जुलाई के बाद, ठीक है, या 4 जुलाई से पहले भी अप्लाई हुआ है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब जो लोगों का वीज़ा 4 जुलाई के बाद आ रहा है या जो लोगों का फाइल 4 जुलाई के बाद की लगी इसी साल 2022 से, तो वो लोग एलिजिबल हैं 5 ईयर्स के लिए, ठीक है जी। जिनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है 4 जुलाई से पहले लेकिन अभी तक कनाडा नहीं गए हैं वो भी 5 ईयर्स वाले प्लान में उनका वीज़ा भी वैलिड रहेगा। और जिन लोगों का 4 जुलाई से पहले का वीज़ा आ चुका है और 4 जुलाई से पहले वो कनाडा पहुँच चुके हैं, ठीक है जी, उन लोगों के लिए अभी जो नॉर्मल कनाडा बॉर्डर सर्विस जो है जो उनको ड्यूरेशन देगी 6 मंथ्स 1 ईयर जो भी रहेगी उसी के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। सो उनका अभी क्या करना है, वो 5 ईयर नहीं रह सकते, ये जो 4 जुलाई के बाद जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ वही रह सकते हैं और वो आगे 2 साल की एक्सटेंशन और भी ले सकते हैं, ठीक है जी। अभी जो लोग 4 जुलाई से पहले जा चुके हैं उनको क्या करना है, अगर आपको जैसे 6 मंथ की स्टे मिली है या 1 ईयर की 2 ईयर की स्टे मिली है कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी की तरफ से, तो उन दिनों में आपको एक बार कंट्री आउट करके, आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, होम कंट्री आ सकते हो, अगर आपके पास यूएसए वीज़ा तो यूएसए भी जा सकते हो या किसी भी और कंट्री आउट करके आप वापस आ सकते हो, एक यही ऑप्शन आपके लिए रहेगा। देन उसके बाद आप 5 ईयर्स वाले प्लान में वैलिड रहोगे और उसके बाद आप भी अगर 5 साल से ज़्यादा रुकना चाहते हो तो आप भी वहाँ पे 2 साल की और एक्सटेंशन ले सकते हो। सो दोस्तों आज की ये छोटी सी अपडेट थी। सो जो लोग जा चुके हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 5 ईयर्स वाले प्लान में वैलिड नहीं है तो वो ओवरस्टे करके या अपने आप को इल्लीगल या ऐसी कोई प्रॉब्लम में ना खड़े हो जाएं। सो वो इस चीज़ का ध्यान रखें और जो लोग अभी जा रहे हैं वो 5 साल के लिए उनका वीज़ा जो है वैलिड रहेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।